जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के मजाफाती इलाकों में, जहाँ पर फसलात में गंदा पानी जो गटरों का है इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे फसलात में आपको बता दूँ, गंदम, गन्ना और मुख्तलिफ सब्जियों में जो गटर का पानी है वो डाला जा रहा है। TMO की मिली भगत से ये घंटों के हिसाब से फरोख्त किया जाता है, जो इंतहाई मुजरसियत है। इसी हवाले से एक शहरी मेरे साथ है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है इनको। जी, क्या परेशानियाँ हैं गंदे पानी की वजह से? आज हमें बहुत परेशानियाँ हैं इस गंदे पानी की वजह से। बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं, टाइफाइड फैल रहा है उनमें, मलेरिया फैल रहा है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि यही पानी पूरे अलीपुर शहर का हमारी तरफ यही आता है, और इसकी वजह से जो है ना, ये हम मजबूर हैं, पानी सही है बेचते हैं और हम लोग खरीदते हैं। अब क्या करें, अब मजबूरी है और कोई दूसरा सोर्स नहीं है इसके अलावा, और कोई ना प्रॉपर हल है इसका। मेहरबानी करके जो है ना, इसका कोई प्रॉपर चैनल बनाया जाए, वहाँ इसको पानी को सीवरेज का टर्न आउट उसकी तरफ कर दें, ताकि इससे जान छूट सके हमारी। हम बहुत तंग आ गए इस चीज़ से। जी, जैसा कि सुना, अहलिया ने अलीपुर गटर के पानी से और इसकी बदबू से शदीद परेशान है। सब्जियां काश्त की जा रही हैं जो कि मुजरसियत हैं। DCO मुजफ्फरगढ़ और आला हुकाम इस पे नोटिस ले, और जो काश्तशुदा सब्जियां और फसलात हैं इनको फौरी तौर पर तल्फ किया जाए। जी, हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।